हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन नज़लॉक सीरीज। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे यहाँ पे, वेदर इंस्टीट्यूट नाम है ना इस जगह का, आई गेस। यस, यहाँ पे हम लोगों ने बैटल कर ली थी टीम एक्वा से। यहाँ पे काइंड ऑफ वो लोगों ने इस जगह को टेक ओवर कर लिया था। बाय द वे, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप लोग अपने पोकेमोन को हील कर सकते हो, मेरे को रिसेंटली पता चला। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्चुअली दो पोकेमोन को, एक पोकेमोन तो हमको गिफ्ट में मिल गया था और एक पोकेमोन को हम लोगों ने खुद के अपने टीम में ऐड कर लिया था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसका नाम मैंने कुछ तो दिया था। किधर गया वो? ये तो मेरे को मिला था। ओके गाइस, वो पोकेमोन कहाँ गया? अरे वेर इज माय दैट पोकेमोन? एक मिनट। ओके, ये कौन सी अलग जगह है मुझे नहीं पता। वेट गाइस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे? अच्छी बात है कि पीसी है। विदड्रॉ पोकेमॉन गाइस, इसमें वो है ही नहीं। आई नो मेरे पास टेंगेला है, बट ओके लाइक पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। यार इतने प्यार से मैंने उसको पकड़ा था, बट ओके पता नहीं ये कोई तो ग्लिच हो गया। लेकिन हाँ, बाय द वे, अगर आपको सेव फाइल चाहिए तो मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया उसकी। हम लोग आज के एपिसोड में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आप लोगों ने मेरे को बोला था कि मेरे को एलेक्सर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को रिवाइव्स या फिर रिवाइवल हॉप का यूज़ करना नहीं चाहिए ताकि नज़लॉक सीरीज में फिर मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, अभी हम लोग आज के एपिसोड से नहीं करेंगे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आपको मेरी टीम बता देता हूँ एक आखिरी बार। पता नहीं लाइक मेरे मोस्टली तीन पोकेमॉन तो लेवल 26 का तो हमारा नोप है, जिसको मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला। वेट, आई विल डू वन थिंग, हम लोग एक काम करेंगे, नोप के पास एक मस्त आइटम है जो कि हम लोग इससे लेंगे। ओके, और हम लोग वो हमारे एक्वा को देंगे जिससे कि वो काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, लाइक पहले तो हम लोग इसको ये दे देंगे मिस्टिक वाटर। मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ नॉर्मल टाइप के लिए। वेट, मेरे को है ना चेक करना पड़ेगा समरी में जाके किसके पास नॉर्मल टाइप मूव है। नॉर्मल टाइप तो वैसे देखा जाए तो किसी के पास कट है, ठीक है, कट आई कैन यूज दैट। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं आइटम दूंगा होल्ड करने के लिए, नॉर्मेलियम जी, जिससे कि वो जी मूव बन जाती है। बट आई डोंट नो, उसके लिए मेरे को और कोई चीज़ चाहिए होती है ना, बट ओके कोई बात नहीं। अभी हम लोग जाएंगे आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए और यहाँ पे मे के साथ हमारी फाइट होगी। ओमी, वेर वर यू? आई वॉज लुकिंग फॉर यू। हाउ मच स्ट्रॉन्गर हैव यू गॉटन? लेट मी चेक फॉर यू। रेडी विथ योर पोकेमॉन? ऑफ कोर्स यू आर, गो। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पे मी के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है। आई होप उसके पोकेमॉन थोड़े से लो लेवल के हो। वो बात अलग है कि अगर मैंने इसको यहाँ पे हरा, ओ उसके पास एक टैलेंट है। अच्छी बात यही है कि मैंने अपने एक्वा को आगे रखा है, बिकॉज वो इसको काफ़ी इजीली हरा सकता है। वन शॉट किल हो गया बेचारा। ओके, काफ़ी ज़्यादा। नोप को तो खाली पॉकेट में एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं उसको अपनी टीम में रखने भी नहीं वाला। बारिश गिर रही है, वेल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पे। ओके आई केस, ये उसने गीगार्डन मार दिया गाइस। ओके, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक्वा अभी भी काम कर सकता है। और यहाँ पे उसने इसको मार दिया, कैस्पर, या फिर कैस्पर नहीं, क्या बोल रहा हूँ, हमारा वो जो भी, ओ एक इन्फेजेंट आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग पोकेमॉन डेफिनेटली चेंज करेंगे, बिकॉज हम लोग कैस्पर के साथ जाएंगे, बिकॉज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप है, तो मैं क्यों उसको ना चेंज करूँ? ऑब्वियसली मैं चेंज करूँगा उसको। पता नहीं, पता है गाइज, इन्फेजेंट मेरे को काफ़ी वियर्ड लगता है। लेट्स गो फॉर उसने थंडर से डिटेक्ट यूज़ कर लिया। ओके, ये भी चला गया, वेरी गुड। एक्वाड 43 का हो चुका है। कैस्पर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, नोब को तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल ही रहा है। लाइक सीरियसली, कास्ट फॉर्म मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। मियास्टिक हो गया, वो साइकिक टाइप होती है ना, बट हु केयर्स। ओ उसका एनिमेशन देखो गाइज। बट हम लोग यूज़ करेंगे शेडो बॉल, उसने यूज़ किया रोल प्ले जिससे कि उसने मेरी एबिलिटी चोरी कर ली। ओके, और हम लोग शेडो बॉल से तो उसको वन शॉट किल कर देना चाहिए, मोस्ट नहीं किया। ओके ओके, हरा दिया, काफ़ी इजीली हरा दिया हम लोगों ने। कैस्पर ट्रिक सीखना चाहता है। ट्रिक से होता क्या, बेसिकली इस मूव से
ट्रेड हो जाते हैं हेल्ड आइटम। नहीं यार, ऐसे ऐसे ट्रिकी मूव्स मैं अपने कैस्पर को नहीं सिखाना चाहूंगा ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे नोब खाली फुकट में लेवल अप हो रहा है, वेदर बॉल सीखना चाहता है। आई मीन ओके, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये जो कास्ट फॉर्म होता है वो फिजिकल होता है कि स्पेशल अटैकिंग होता है, बट ओके मैंने एडबर्ट सिखा दिया उसको, जो होगा देखा जाएगा। लेट जस्ट सी। ओमी यू आर स्ट्रांग, आई वॉज वरीड दैट यू माइट बी स्ट्रगलिंग विथ योर ट्रेनिंग। अपनी देख अपनी ब्रो, बट आई हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट, कीप इट अप एंड हियर आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू, HM2। फाइनली हम लोगों को HM2 मिल चुका है। बेसिकली नाउ आई कैन फ्लाई, यूज फ्लाई एंड योर पोकेमॉन विल इंस्टेंटली कैरी यू टू एनी टाउन यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, बट टू यूज फ्लाई यू हैव टू गेट द जिम बैच फ्रॉम फोर्ट्री सिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट। यू शुड फ्लाई होम टू एंड विजिट लिटिल टू फॉर अ चेंज। ओके, आई बेट योर मॉम्स वरीड अबाउट यू, हियर टेक दिस टू, यू विल नीड इट। ओ, उसने मेरे को ड्रैगनियम जी दे दिया। वेल थैंक यू मे, तू जितनी दिखती उतनी बुरी। ओ ये आ गया। हाँ, वेट टू गो मी, आई जस्ट पास बाय अ ट्रेनर राइडिंग अ बाइक, यू जस्ट बीट द ट्रेनर डिडंट यू, इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस दैट यू डिड। ओके, द किड लुक्ड रियली अपसेट विद द फेस ऑल रेड फ्रॉम एंगर, आई एम श्योर सेम टू रन इन टू यू ऑफन। ओके, आर यू ऑफ टू फोर्ट्री सिटी जिम नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू वेल एट द जिम, वेल आई विल बी सीइंग यू। ये बंदा स्टार्टिंग में मेरे को वियर्डो बोलता था, लेकिन अभी हमारा फैन हो चुका है। वेल आई गेस यही पावर होती है गाइस, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने चीजों के साथ। ओके, हम लोगों ने पोकेमॉन हील कर लिया, अभी हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हाँ, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज रिवाइवल हब एंड एनी रिवाइव वगैरह, बिकॉज वो काइंड ऑफ चीटिंग हो जाएगी, जो कि मेरे को समझ में आ गया। वेट, यहाँ पे एक डबल बैटल आ रही है, वी कैन एक्चुअली डू दैट डबल बैटल। ओके ओके, एक ही पोकेमॉन है दोनों पास। ओके, एक मॉथिम और एक टेंटाक्रूल, तो मॉथिम को हम लोग जा मारेंगे स्मैकडाउन से। ओ ओ डैम 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 गाइस, यहाँ पे मेरे को लिटरली आई डोंट नो इसको कैसे यूज करूँ। स्मैकडाउन वो मारूंगा, इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, जी से आई गेस? नहीं वेट, कौन से बटन से सिलेक्ट होता है गेस? पता नहीं, मैं सारे बटन दबा के देख रहा हूँ, किसी ना किसी से तो सिलेक्ट होगा होपफुली। नहीं गाइस, किससे भी नहीं हो रहा, आई डोंट नो उसको कैसे यूज करूँ, बट ओके फिलहाल हम लोग एक पोकेमॉन को टारगेट करेंगे। अरे वो बेचारा तो चल बसा गाइस, कोई बात नहीं, बट आई डोंट नो यार, इस लाइक मैं कंप्यूटर में खेल रहा हूँ ना, तो सिलेक्ट के लिए कंप्यूटर में कौन सा बटन होता है मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके वेट, कौन सा बटन होगा, वी? ओके ये क्या, ओके उस तो हो गया, आई डोंट नो। ओके भाई, ये स्लॉट स्लेव हो गया, सेव हो गया, आई मीन पता नहीं गाइस ये किस बटन से होता है, मैंने आई गेस किसी बटन को असाइन नहीं किया वो, बट फिलहाल ठीक है। ओके, हम लोगों ने इसको काफी इजीली हरा दिया। आई डोंट नो ये क्या आ रहा है स्क्रीन पे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग आगे जाएंगे। और ये बटन शो होना स्टार्ट हो चुके हैं कि लाइक मैं कौन से बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लाइक दिस इज ए बी, ओके ये एल है और ये आर है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट के लिए कौन सा बटन है, मैंने सेलेक्ट के लिए किसी बटन को असाइन नहीं किया। स्लॉट वन, ओके स्लॉट टू सिलेक्टेड, स्लॉट वन सिलेक्टेड, ओके दिस इज रियली वियर्ड, बट ओके कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे इस बंदे के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, तो चलो कर लेते हैं। सेम पोकेमॉन दो दो बार, ओके ओ हाय किरिला। ओके गाइस, अभी हम लोग सीधे जाके यहाँ पे बैटल करेंगे, पहले तो मैं पोकेमॉन को हील करूंगा। ओके, मेरे पोकेमॉन हील हो चुके हैं, नाउ लेट जस्ट गो एंड डिफीट दिस। ओ हाँ, यहाँ पे वो एक्चुअली वो कैक्लियन होता है ना,
तो उससे पहले हम लोगों को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स होंगी उसको हराते हैं। ओ एक सी लॉन्चर, ओके क्या खेलेगा मेरे सामने? क्रॉक क्रॉक, ओके। ग्रेनिंजा के सामने सीरियसली गाइस कोई भी पोकेमॉन ज़्यादा नहीं टिक सकता। इट्स लाइक इवन दो ग्रेनिंजा का डिफेंस विफेंस काफ़ी कम है, बट सीरियसली तू बैटल करेगा ब्रो? ओ हाय, एक चीन सी है तेरे पास, वन शॉट की लो गई बेचारी। तेरे को क्यों रजिस्टर करना है मेरे से? बट इट्स ओके, यहाँ पे हम लोग अभी स्टीवन से मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके ओ उमी हाय, इट्स बीन अ वाइल, देयर इज समथिंग हियर दैट यू कांट सी राइट नाउ। इफ आई वर टू यूज दिस डिवाइस ऑन दिस इनविजिबल ऑब्स्टेकल, नो नो, रादर देन डिस्क्राइबिंग इट आई शुड जस्ट शो यू, दैट वुड बी मोर फन। ओमी आर योर पोकेमॉन रेडी टू बैटल? यस ओमी, शो मी योर ट्रू पावर एज अ ट्रेनर। ओके स्टीवन, यूज द डिवाइन स्कोप एंड इन इनविजिबल पोकेमॉन बिकम कम्प्लीटली विजिबल, द स्टार्ट पोकेमॉन अटैक। ओके आई डोंट नो ये कैक्लियन ही होगा कि नहीं, बट ओके वो कैक्लियन नहीं है बिकॉज वेट, मेरे पास क्या कोई फायर टाइप पोकेमॉन है क्या? मेरे को चेक करना पड़ेगा। नहीं गाइज, मेरे पास कोई फायर टाइप पोकेमॉन नहीं है, सो आई कैन एक्चुअली कैच दिस पोकेमॉन बट ओनली इफ ही सर्वाइव। ओके ओ सर्वाइव कर रहा है वो, उसका मूव्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो अब हम लोग जाएंगे बैग में और हम लोग इसको कैच करेंगे ग्रेट बॉल के साथ, और हम लोगों ने इसको काफ़ी इजीली पकड़ लिया। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये पता नहीं बटन आना स्टार्ट कहाँ से हो गया, बट इट्स ओके। हम लोग इसको नाम देंगे मे बी क्या दो इसको, एक मिनट, इसको नाम दूंगा मैं जलवा। ओके आई सी योर बैटल स्टाइल इज इंट्रीगिंग। ओके योर पोकेमॉन हैव ऑब्वियसली ग्रोन सिंस आई हैव फर्स्ट मेट यू इन द ड्यू फॉर्ट, आई वुड लाइक यू टू हैव दिस डिवाइन स्कोप, हु नोज देयर मे बी अदर कॉन्सील्ड पोकेमॉन। ओके थैंक यू स्टीवन, तेरे को ये मेरे को देने के लिए, हियर टेक दिस ऑर्ब विथ यू, आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग ऑर्ब अ फ्यू डेज अगो, आई डोंट नो व्हाट इट डज बट इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके रीजॉब अ मिस्टीरियस ऑर्ब दैट अवेकंस डोरमेंट पोकेमॉन। ओके आई डोंट नो बट ओके हम लोग जरूर उसको चेक करेंगे। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से अपने पोकेमॉन को मस्त हील करेंगे और फिर मैं चैलेंज करूँगा जिम लीडर को। ये चलने पे देखो मस्त आवाज आता है। ओके नर्स जो मैं आ चुका हूँ, प्लीज मेरे पोकेमॉन को काइंड ऑफ हील कर दो। ओके थैंक यू। आई डोंट नो ये बटन कैसे नीचे शोकेस हो रहा है, मैंने कोई बटन दबाया था क्या जिससे वो स्टार्ट हो चुका है? ओके समझ गया, बेसिकली मेरे को बस एक की दबानी थी जिससे कि वो बंद हो जाएगा, जो कि मैंने ऑब्वियसली दबा दी। ओके यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन, ओह खुद ही हट गया। ओके दैट वाज रियली इजी। बिग ब्रो आई डोंट गिव अ डैम बट लेट्स फाइट देम। एक डबल बैटल, ठीक है आ जाओ। बाप रे इनके पास काफी ज्यादा पोकेमोन है। आई स्टिल डोंट नो इसको कैसे यूज करते हैं, बट इट्स ओके हम लोग सारे बटन दबा के देख लिया मैंने। आई डोंट नो कीबोर्ड में कौन से बटन से वो सिलेक्ट होता है। ओके गाइज आई स्टिल डोंट नो, पता नहीं, आई गेस शिफ्ट से होता है, नहीं कंट्रोल से, फंक्शन से, नहीं कुछ भी नहीं होता, तो पता नहीं, हम लोग बस कुछ ना कुछ कर ही लेंगे गाइज। ओके वाटर शुरिकन यूज करूँगा मैं। ओके दैट वॉज रियली इजी, एकन सारा है।
ये सारे पोकेमॉन वन शॉट किल हो रहे हैं सीरियसली। ओके चलो गाइज ऊपर जाएंगे। ओके यहाँ पे ना एक्चुअली हम लोगों को अगर ये करना रहेगा तो इसको हम लोगों को ऐसे ऐसे और ऐसे करना है। यहाँ पे एक और डबल बैटल आ रही है। ओके ओ भाई काम डाउन। नहीं 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 फिर तो छोटू को भी डैमेज पड़ेगा। रिकवर सीखना चाहता है। आई मीन ओके यू कैन लर्न दिस। क्लियर स्मोक हटा देते हैं। अरे यार एक्वा चला गया। आई मीन आई कैन रिवाइव हिम सीरियसली। मैं नोब को सेक्रीफाइस करके एक्वा को ले लूंगा गाइस। कोई बात नहीं है। देखो देखो मैं इतना बोलता हूँ कि अगर जिम लीडर के साथ फाइट करूंगा तो उसमें मैं वो चीज़ यूज नहीं करूंगा। ठीक है मैं बस अभी एक लास्ट टाइम कर रहा हूँ। यार किधर गया यार वो। अरे किधर गया वो रिवाइवर। मैंने खरीदे नहीं थे क्या। आर यू सीरियस। नहीं रिवाइव है मेरे पास बट रिवाइवर हेल्प किया था मेरे को। ओके कुछ नहीं से कुछ अच्छा हमेशा। बट इट्स ओके अभी हम लोग यूज़ करेंगे गस्ट को और तू यूज़ कर ले वेदर बॉल को। फिर से गस्ट और वेदर बॉल। ओके ये पोकेमॉन काफ़ी दिमाग में जाता है गाइस। ओके वेट मेरे को पोकेमॉन एक्चुअली हील करना है बिकॉज मेरा पोकेमॉन जस्ट मरते मरते बचा है जो कि ऑब्वियसली काफ़ी। भाई भाई सीधा चल ले। ओके इस पे ओ सॉरी अंकल इसमें भाग नहीं सकते हम लोगों को चल के जाना पड़ता है यहाँ पे। एंड गाइज बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोकेमॉन एक्स जो कि मैं डेफिनेटली स्टार्ट करने वाला हूँ। डोंट वरी बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो मैं अभी सारे गेम्स खेलूंगा जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किए थे। ऑफिशियल गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने जहाँ तक मुझे याद है मेरे से आई गेस लास्ट टाइम अगर मैं ऑफिशियल गेम की बात करूँ तो मैंने कौन सा ऑफिशियल गेम खेला था पता है गाइस। मैंने खेला था आई गेस पोकेमॉन कौन सा खेला था मैंने आई गेस वाइट टू खेला था। बट नाउ अभी हम लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वेट या आई गेस को यहाँ से इसको हराना पड़ेगा पहले। तो इसको ऐसे ओपन करेंगे नहीं आई गेस पहले इसके साथ बैटल करनी पड़ेगी। एक पोकेमॉन है। ओके सो जाता है ये पोकेमॉन बट ओके हार गया। ओके नाउ इट इज इजी। इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो फिर इसको ऐसे करो। एंड गाइज वी आर फाइनली एट वी नोन एज जिम। ओके आई विल डू वन थिंग मैं बस अपने एक बार पोकेमॉन को हील कर लूँगा। एंड ये बैटल में मैं कसम से बोल रहा हूँ ना ही मैं कोई आइटम का यूज़ करूँगा ना ही मैं मतलब बेसिकली रिवाइव का यूज़ नहीं करूँगा। बस एक बार फाइट से पहले कर रहा हूँ आई गेस उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओके तो चलो देखते हैं गाइज जो होगा देखा जाएगा। आई एम विनोना आई एम द लीडर ऑफ द 43 पोकेमॉन जिम। आई हैव बिकम वन विद बर्ड पोकेमॉन एंड आई हैव सोर्ड द स्काइज। ओके हाउएवर द ग्रूलिंग द बैटल वी हैव ट्रायम्फ्ड द विद ग्रेस। ओके विटनेस द एलिगेंट कोरियोग्राफी ऑफ बर्ड पोकेमॉन एंड आई। ओके हियर वी गो गाइज लेट्स सी विनोना के पास हमारे लिए कोई चैलेंज है या कि नहीं। ओके उसका पहला पोकेमॉन एक विविलियन। आर यू सीरियस। आई मीन लिटरली मैं इसको स्मैकडाउन मार सकता हूँ। कितना डैमेज देगा। ओ वन शॉट किल। आई डोंट नो यार मेरा एक्वा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है इस गेम में। एक्वा 45 का हो चुका है ओवर लेवल्ड हो गया बेचारा। ओके ओके नेक्स्ट पोकेमॉन है एक एरोड। अरे कहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मेरे को कुछ करना ही करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे जो कर रहा है। ओके अब इसका थोड़ा स्ट्रांग पोकेमॉन निकला। आई डोंट नो एरोडैक्टर के सामने सुपर इफेक्टिव होना चाहिए था बट ओके
ओके, डिसेंट डैमेज। 5 बार अगर हिट करेगा तो ठीक है, 2 बार हिट किया, ये तीसरी बार हिट हो गया। एक और बार, एक और बार। ओके, हमारा काम हो चुका है, एरोडेक्टल का काम भी हो चुका है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड ग्रीन इंजा, आई मीन वेरी गुड एक्वा। ये बेचारा नो बार बार लेवल अप हो रहा है। जलवा भी 32 का हो चुका है। सामुरॉट आ रहा है ना, सामुरॉट। ओके आई गेस कैस्पर, आई चूज यू, लेट्स सी। ओके आई विल डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर थंडर। क्या ये थंडर सरवाइव कर पाएगा गाइस? नहीं कर पाएगा, बिकॉज कैस्पर इस कैस्पर हमारा स्टार्टर पोकेमोन है, ऐसा कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, ही इज अवर स्टार्टर पोकेमोन, और स्टार्टर पोकेमोन कभी डिप। ओके ओके सेस्मिटोड आ रहा है। ओके, अभी हम लोगों को कोई थोड़ा सा पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा, प्लान में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे गाइस। छोटू, आई चूज यू, होपफुली तो कुछ कर पाएगा यहाँ पे, बिकॉज वो एक ग्राउंड टाइप भी है। मेरे पास ग्रास टाइप मूव नहीं है, बट आई विल डू वन थिंग, आई विल यूज गोस्ट बॉल, सॉरी शेडो बॉल, जो कि इसको। ओह, उसने रेन डांस की यूज कर लिया, आई डोंट नो, मे बी वो चाहता है कि वो अपने वाटर टाइप मूव से मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे। अगर ऐसा तो चाहता है तो ब्रो मे बी यू आर रॉन्ग, बिकॉज ओ मडी वाटर, डैम। देखते हैं कितना डैमेज पड़ेगा। ठीक है, बस बस। ओके, 109 HP पर छोटू बच गया हमारा। छोटू बच गई है एक्चुअली, वो लड़की है, बट इट्स ओके, हमारी लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। और इसी के साथ हम लोगों ने इसको हरा दिया है, और अभी हमारा आखिरी पोकेमोन, आई मीन उसका आखिरी पोकेमोन, देखते हैं कौन सा है। यार मेरे को पता नहीं इस गेम में इतना ईजीनेस कहाँ से। ओ, एमनेशिया सीखना चाहता, नहीं सिखाऊंगा। अरे ये पोकेमोन, आर यू सीरियस? एक्वा तो इस पोकेमोन को वन शॉट किल कर लेगा। ये जिम लीडर है गाइस, ये जिम लीडर, लाइक सीरियसली। बास्टिडॉन, आई 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 डू नो यू, लेट मी सी वॉट शोरिकॉन तेरे पास कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। 5 लगेंगे तेरे को, बट 5 लगने चाहिए। ये तीसरा, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि ओके 3 ही लगे हैं। अब तू कौन सा, तूने यूज किया स्टेल्थ रॉक, विनो ना तेरे पास इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये मूव्स वाले पोकेमोन को पहले रखते हैं स्टेल्थ रॉक, ना कि आखिर में, बट इट्स ओके आई गेस। तेरी तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी टीम इतनी अच्छी नहीं है कि अब मैं क्या ही करूँ, बट इट्स ओके यार। मेरे दे वैसे देखा जाओ तो मेरा भी रेंडमाइज ही है, मैं कौन सा उसमें तो नजलॉक कर रहा हूँ मैं, लाइक पहला पोकेमोन ही पकड़ने को मिलता है। बट इट्स ओके, नेवर बिफोर हैव आई सीन अ ट्रेनर कमांड पोकेमोन विथ मोर ग्रेस देन आई। आई रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर प्रोसेस, ओके आई प्रेजेंट यू दिस जिम बैज। ओके थैंक यू सो मच विनोना, चल अब मेरे को टाइम पास मत कर। ओके या आई विल सेव द गेम, डोंट वरी, आपको सेव फाइल मैं पुरानी वाली ही देने वाला हूँ। ओके यहाँ से निकलेंगे गाइज, एंड नाउ आई कैन फाइनली यूज HM02। ये किसका फोन आया? स्कॉट, इट्स ओके, जस्ट एज आई थॉट यू वांटेड वाटर इज रिजम योर स्ट्रेंथ, परहैप्स यू रियली आर द ट्रेनर दैट आई हैव सीन सर्चिंग फॉर, रिमेंबर यू हैव अ फैन इन मी, आई विल बी चीयरिंग फ्रॉम साइड लाइन्स, कीप अप द ग्रेट वर्क। गाइस ये तो पागल हो गया मेरे लिए, क्या ही बताऊँ। अब मेरे को किरिला की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नाउ आई कैन लिटरली फ्लाई, तो मैं क्यों तेरे को 200 रुपया दूँ? लाइक अगर मैं फ्री में उड़ सकता हूँ तो तेरे को क्यों 200 रुपया दो, सीरियसली? बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या मेरा कोई पोकेमोन फ्लाई सीख सकता है? एरियल इज भी है, काफी अच्छा मूव है, लेट मी सी कौन सा पोकेमोन सीख सकता है ये। ओके छोटू सीख सकता है, एंड एक्वा सीख सकता है, आई गेस एक्वा को मैं सिखाऊंगा जरूर। स्मैकडाउन भी काफी काम का मूव है, रॉक स्मैश भी काफी काम का मूव है,
सर्फ और वाटर शुरिकन। वैसे देखा जाए तो अगर वाटर शुरिकन 5 बार भी हिट करता है तो वो टोटल डैमेज कितने का देता है गाइस? वो टोटल डैमेज देगा 15 5 75, ओके। तो एंड अगर सर्फ का अकेले भी देखे तो वो 90 डैमेज देता है। तो आई गेस, नहीं भाई मेरे को सिखाना है, वाटर शुरिकन हटा देना चाहिए बिकॉज सर्फ अकेला ही काफ़ी है। हम लोग एक्वा को थोड़ा सा वर्सेटाइल बनाएंगे। अब बात रही फ्लाई की, लेट सी कोई सीख सकता है क्या मेरे टीम में। ओ एक्चुअली छोटू सीख सकता है, लाइक हाँ मतलब वो है तो एक एयर बलून ही। आई मीन सीरियसली, इसको गस्ट हटाने का टाइम आ चुका है गाइस। ओके नाउ आई कैन फाइनली फ्लाई, लेट सी कैसे उड़ेगा ये। अब ये कट और फ्लाई दोनों यही सीख चुका है। ओके अब मेरे को जाना है लिली को, ओके। बट पहले हम लोग जाएंगे मोबाइल सिटी। ओके थैंक यू, पोकेमोन हील कर लूंगा। ओके ओके गाइस, आई गेस आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।